ऋषि कपूर कपूर खानदान के वो चिराग थे जिन्होंने अपने अभिनय की चमक से पूरे बॉलीवुड को रोशन कर दिया था और खुद को भी इस तरह से चमकाया कि खूब दौलत शौहरत हासिल की और अपने सारे सपने पूरे किए, अपनी सारी ख्वाहिश पूरी की। पर इनकी एक ख्वाहिश थी जो हमेशा के लिए अधूरी रह गई, जो इनकी आखिरी अधूरी ख्वाहिश बन गई, जिसे अब कोई पूरा नहीं कर सकता। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इनकी आखिरी ख्वाहिश के बारे में बताएंगे, जिसे जानकर रह जाएंगे आप भी हैरान। पर उससे पहले इनके लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऋषि कपूर ने अपनी काबिलियत के दम पर सब कुछ हासिल किया और अपनी सारी ख्वाहिश पूरी की, चाहे वो अपने प्यार से शादी करना हो या फिर खूब सारा पैसा कमाना, महंगी गाड़ियों में घूमना हो, सब पूरा किया। पर इनकी एक अधूरी ख्वाहिश रह गई जिसको ये दुनिया से जाने से पहले पूरा करना चाहते थे, काफ़ी मशक्कत भी की, पर ये अपनी उस अधूरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाए। दरअसल वो अधूरी ख्वाहिश ये थी कि ऋषि जी अपने सुपुत्र रणबीर कपूर को दुल्हा बनकर घोड़ी चढ़ता देखना चाहते थे। वो कब से रणबीर को शादी करने के लिए कह रहे थे, पर वो अपने करियर पर फोकस करना चाहते थे, तो देर कर दी उन्होंने। पर इसी बीच ऋषि कपूर की तबीयत खराब हो गई। इनकी तबीयत खराब थी पर इनके मन में अपनी अधूरी ख्वाहिश चल रही थी कि वो पूरी होगी भी या नहीं, जिसके बाद शादी की बात तो चली, पर इससे पहले कुछ होता उससे पहले ही ऋषि कपूर इस दुनिया से चल बसे और इनके साथ इनकी अधूरी ख्वाहिश हमेशा के लिए अधूरी रह गई, जो इनके जीते जी कभी पूरी नहीं हो पाई, जिसका मलाल हमेशा इनके बेटे रणबीर कपूर को रहेगा, जो अपनी शादी में अपने पिता की कमी कभी पूरी नहीं कर पाए। एक अधूरा सा एहसास उन्हें रहा था, पर पिता की याद के साथ उन्होंने अपनी शादी काफ़ी अच्छे से की और अपने पिता की अधूरी ख्वाहिश तो ना सही पर उनकी एक तरीके से खुशी को पूरा कर दिया। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही से तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।